वेलकम टू डिजिटल्स क्लास। डिजिटल्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एसएससी का एमटीएस एग्जामिनेशन जो है 2017 में जो हो रहा है 27 अक्टूबर 2017 को, उसी में से कुछ स्टूडेंटों ने, कुछ विद्यार्थियों ने हमारे पास कुछ मैथ का क्वेश्चन भेजा है। उसी मैथमेटिक्स का आज सॉल्विंग होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस किस टाइप का आज एसएससी ने एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है ए तथा बी दोनों एक व्यापार में साझेदार हैं। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 माह के लिए निवेश करता है तथा बी को कुल लाभ का 2/3 भाग मिलता है। बी का धन कितने माह तक निवेश रहा, यानी कि बी का धन पूछा जा रहा, बी का हिस्सा। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये दो पार्टनर है, पहला पार्टनर ए है और दूसरा बी है। दोनों पार्टनर कितना कितना पूंजी लगाए यह पता नहीं है, और कौन व्यक्ति कितना पूंजी लगाएगा वो भी पता नहीं। हाँ, लेकिन जितना भी पूंजी लगाएगा उसका 1/4 भाग ए लगाएगा। तो चलिए इसको देखते कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर जो टोटल कैपिटल हम 1 रुपया मानते हैं, कंसीडर करते हैं, माना कि टोटल कैपिटल बराबर 1 रुपया। टोटल कैपिटल बराबर 1 रुपया मान लेते हैं। इन लोग जो है 1 रुपया लगाकर इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को स्टार्ट किया है। अब कह रहा है कि ए का पूंजी जो है, ये जितना भी लगाया होगा, कहा जा रहा है 1/4 है, 1/4 जितना भी पूंजी का जरूरत है उस पूंजी का 1/4 भाग ए अकेले लगा दिया। अब शेष जो बचेगा वो कौन लगाएगा, बी लगाएगा। तो शेष जो बचेगा वो कौन लगाएगा, बी लगाए। तो शेष कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको लेस कर देते हैं। ट्रिक के अनुसार इसमें से इसमें लेस कर देंगे तो आएगा कितना, 3/4। अब यह 3/4 है कौन लगाएगा, बी व्यक्ति, बी व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा, शेष निकालने के लिए 1/4 माइनस 1/4 को लेस कर देते हैं, और लेस करने के बाद जो भी वैल्यू आता है उसको यहाँ लिखते हैं, और 4 को 4 में ही लिख देते हैं। अगर इस टाइप का वीडियो पसंद है और आपको नहीं पता है कि कैसे होता है, तो हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है पार्टनरशिप से रिलेटेड, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि बी को कुल लाभ का 2/3 भाग मिलता है, यानी बी को कुल लाभ का 2/3 भाग। तो मानते हैं कि टोटल अगर प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट का अगर बात करते हैं, तो टोटल प्रॉफिट जो होगा 1 रुपया। मानते हैं कि टोटल प्रॉफिट 1 रुपया हुआ। अब कह रहा है बी को जो है 2/3 भाग मिल चुका है, बी को 2/3 भाग। तो शेष जो बचेगा, रिमाइंडर जो शेष जो बचेगा वो कौन रखेगा, ए का होगा। यानी कि शेष आ कितना रहा है, शेष निकालने के लिए सेम प्रोसेस है, इसमें से इसमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो लेस करने पर कितना आएगा, 1, और नीचे में 3 है, यानी 3 जो शेष धन होगा वह कितना है, 1/3 है। अब एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, यदि आप पार्टनरशिप चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें एक फार्मूला होता है, कैपिटल ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए बाय कैपिटल ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी बराबर पी मतलब होता है प्रॉफिट, और पी बी मतलब ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट। तो यहाँ पर सबसे पहले पूंजी कितना लगाया था ए ने, ए का पूंजी था 1/4 भाग। तो हम सबसे पहले 1/4 भाग क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, 1/4 भाग यहाँ पर हम 1/4 भाग लिख देंगे। अब 1/4 भाग लिख दिए, अब यहाँ पर कितना है, टी ए मतलब होता है क्या चीज़, टी ए मतलब होता है टाइम, ए का टाइम।
ए ने अपना धन को कितना दिन के लगाया, 15 दिन के लिए, इसीलिए इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 15। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बट्टा का साइन देंगे, बट्टा का जैसे साइन देंगे यहाँ पर क्या होगा, बी यानी कैपिटल ऑफ बी, तो कैपिटल ऑफ बी, बी का कैपिटल कितना है, 3/4 है, तो यहाँ पर हम 3/4 लिखेंगे, 3/4। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितने समय के लिए बी ने लगाया क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं की है, इसीलिए हम इसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं। अब जब साल के अंत में जब बंटवारा हो रहा है पैसा का, तो प्रॉफिट जो है, ए का प्रॉफिट हुआ 1/3, जो यहाँ पर आप शेष देख रहे हैं, 1/3, 1/3, और जो बाकी था यानी कि जो बाकी बी का था, बी का कितना था, 2/3, यहाँ पर हम लिख देंगे 2/3। अब इस तरह से करके हम लिख दिए 1/3 और 2/3 यहाँ पर हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, सिंपल से इसको सिंपलीफाई करना है, एक्स का मान निकालना आपके पास आंसर। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं सो देखते चलिए। तो आइए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर 1/4 है, तो सबसे पहले हम 1/4 लिख देंगे। फिर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका आएगा 3, और यहाँ पर जो है 15 है, और यहाँ पर कितना है, 3/4, यानी कि यहाँ पर हम 15 लिखेंगे, पहले सबसे पहले 15 लिखेंगे, फिर गुना का साइन देंगे, 3/4 है, तो कितना हो जाएगा, 4/3, 4/3, और एक्स के लिए कितना हो जाएगा, इंटू x। अब इधर आते हैं, इधर 1/3 के लिए 1/3 ही लिख देंगे, और 2/3 के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3/2, 3/2। अब जैसे इसको सिंपलीफाई करते हैं, यानी 4 4 ये कैंसिल हो चुका है, और 3 5 हो गया 15। अब यहाँ पर सिंपलीफाई करते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 5x हो, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से जब क्रॉस गुना करेंगे तो टोटल जो निकल के आएगा 10, यानी कि यहाँ पर x बराबर हम कह सकते हैं 10, यानी कि 10 मंथ, 10 मंथ। ये 10 मंथ जो था वो किसका निकला, पूछा जा रहा है, बी का धन कितने महीना तक, कितने महीने, कितने माह तक निवेशित रहा, यानी कि बी का धन जो था वो 10 महीना के लिए निवेशित रहा। चलिए चलते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, एसएससी में क्या इसके बाद का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, 5 दिनों के बाद 8 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो बताइए कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी कि जो बचा हुआ काम है उस काम को कितने दिनों के बाद खत्म होगा, उसी के विषय में पूछा जा रहा है। और यहाँ पर एक बात और है कि लिखा हुआ 5 दिन के बाद, क्योंकि घटना जो घट रहा है यहाँ पर आफ्टर 5 डेज, यानी 5 दिन को छोड़कर। तो चलिए देखते हैं इसको कि कैसे सॉल्व करते हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा, कैपिटल ऑफ ए इंटू टी ए बाय कैपिटल ऑफ बी इंटू टी बी, उसी फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे फॉर्मूला को और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर था, ए का जो है समय है, ये जो है व्यक्ति, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, यानी कि 15 आदमी का जो समय है 12 दिन का दिया गया है। तो आइए लिखते हैं, 15 व्यक्ति के लिए 15 व्यक्ति लिखते हैं, पंद्रह व्यक्ति के लिए यहाँ पर हम 15 व्यक्ति लिख रहे हैं, 15 व्यक्ति हो गया। 15 व्यक्ति के बाद यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो 12 दिन कंटिन्यू करेगा तब तो खत्म होगा, 12 दिन किया ही नहीं, कितना दिन किया, 5 दिन के बाद, ठीक है, यानी 5 दिन काम करके छोड़ दिया, बाकी जो बचा हुआ के लिए होगा, यानी कि 12 में 5 घटा देंगे तो कितना उसका दिन मिल जाएगा, 15 व्यक्ति उतना दिन तक काम किया। फिर बट्टा कितना व्यक्ति था, 15 व्यक्ति था, और कितने व्यक्ति छोड़कर चले गए, टोटल व्यक्तियों जो छोड़कर चले गए 8 व्यक्ति छोड़कर चले गए, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से लेस कर देंगे। यदि यही सी क्वेश्चन में कहता कि 8 व्यक्ति और आ जाते तो यहाँ पर 15 प्लस 8 करते, लेकिन इसमें कहा जा रहा 8 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, तो जाने के कारण यहाँ पर क्या होगा, माइनस। इसी क्वेश्चन में पूछता कि आ रहे
तो यहाँ पर हो जाता प्लस। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 15 के लिए 15, गुना के लिए गुना, अब 12 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और नीचे में 12 में सॉरी 15 में 8 जाएगा तो बचेगा बचेगा 7। अब यहाँ पर क्या है, 7 7 सिंपलीफाई करके काट दिए, जैसे सिंपलीफाई करके काट दिए तो टोटल कितना बच गया 15 दिन, 15 डेज 15 दिन। यानी कि कह सकते हैं कि बताइए कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, इसका सही आंसर होगा 15 दिन। 15 दिन के बाद जो है यह काम जो है ख़त्म हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चोर 1:30 बजे रात 1:30 बजे कार चुराता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। कार के मालिक को 2 बजे पता चलता है और वह तुरंत दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पीछा करता है। वह चोर को कब पकड़ लेगा, यानी कि चोर जो है कब पकड़ लेगा। तो यहाँ पर समझते हैं कि 1:30 बजे रात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि 1:30 बजे सुबह हो रहा है कि 1:30 बजे रात में हो रहा है। तो हम अपने से समझ जाते हैं कि यहाँ पर 1:30 बजे रात हो रहा है, तो 1:30 बजे रात में क्या हो रहा है, कार जो है चोरी हो रहा है। और कहा जा रहा है कि जो कार चोरी हुआ है वो 40 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से चल रही थी, और कार का जो मालिक था उसको 2 बजे रात में पता चला कि मेरा कार जो है चोरी हो गया। फिर कहा जा रहा है कि जैसे ही पता चला कार के मालिक को, तुरंत वो अपना दूसरा कार निकाला जिसका स्पीड बताया जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति आवर, 50 किलोमीटर प्रति आवर क्यों बताया जा रहा, तो 50 किलोमीटर प्रति आवर बताया जा रहा है तो चोर को पकड़ेगा कि नहीं। इतना तो कन्फर्म है इस क्वेश्चन को देखने से यह पता चल रहा है कि चोर को पकड़ लेगा। क्यों पकड़ेगा, क्योंकि चोर जो भागा था उसका स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका स्पीड ज़्यादा तेज है, तेज होने के कारण इसको यह जो है पकड़ लेगा। हाँ थोड़ा सा समय लगेगा बट उसको चोर को पकड़ लेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है इसके बारे में समझते हैं। चोर को जो है भागने का कितना मौका मिला, कितना समय, सबसे पहले समझते चोर को भागने के लिए, क्योंकि कार का जो है 40 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से जा रही थी, यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर, और 1:30 बजे चोरी हुआ और मालिक को 2 बजे पता चला, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आधा घंटा ही चोर को भागने का मौका मिला, आधा घंटा ही भागने का मौका मिला, यानी कि उसका मालिक का घर से और चोर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। कैसे निकला सो देखे ना, क्योंकि आधा घंटा ही था तो यहाँ पर 2 से भागा कर देंगे तो 40 का आधा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर कि जिधर चोर भागा उधर ही भाग रहा है मालिक भी। जब आप जानते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में जब भी दो वस्तु गतिशील होता आपस में तो वहाँ पर क्या होता है कि आरभी बनता है। आरभी किसको कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, आरभी होता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो आरभी निकालने के लिए क्या करते हैं, पिछला का स्पीड और अभी का स्पीड मतलब दोनों का स्पीडों को घटा देते हैं। तो 50 - 40 जैसे ही हम कर दिए तो मेरा कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कार के मालिक का जो कार है उसका स्पीड सिर्फ 10 किलोमीटर ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही काम करेगा। हाँ यदि चोर खड़ा रहता तो पूरा मालिक का 50 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से जाता, लेकिन ऐसा बात थोड़े चोर रुका नहीं है, इसमें लिखा भी नहीं कि चोर वहाँ पर जाके रुक गया। इसीलिए यहाँ पर जो है दोनों रिलेटिव वेलोसिटी को क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जिधर चोर भागा है उधर ही मालिक भाग रहा है। तो जानते कि सेम डायरेक्शन, जब भी सेम डायरेक्शन का अगर बात करते हैं, सेम डायरेक्शन किसको कहते हैं, इधर भी जा रहा है और हम भी इधर जा रहे हैं तो इसको सेम कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन किसको कहते हैं, अपोजिट आप इधर से जा रहे हैं और हम इधर से आ रहे हैं, इसी को अपोजिट कहते हैं। अपोजिट में क्या होता है, जुड़ जाता है, लेकिन सेम में क्या होता है, घट जाता है, सेम में घट जाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समय निकालेंगे, तो टी का फॉर्मूला होता है डी बटा भी, डिस्टेंस कितना है 20 है और आपका वेलोसिटी कितना दिया गया है, वेलोसिटी मतलब आरबी कितना आया है 10, यहाँ पर आरबी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
आरबी जो है यहाँ पर टोटल आरबी 10 हो जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ जो डिस्टेंस था 20 था और वेलोसिटी कितना था 10 था। जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो 10 × 20 यानी कि 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर नहीं, 2 आवर, क्योंकि समय है ना, टाइम है, तो आवर में निकलेगा। यहाँ पर जो वैल्यू आवर में आएगा, यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा किस में आएगा, आवर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि समय, और समय आप जानते हैं कि समय कभी भी जो होता है आवर में होता है, घंटा में। यानी कि कार का जो मालिक है 2 घंटा के बाद अगर कहीं नहीं रुकता है तो 2 घंटा के बाद जो है उस चोर को पकड़ लेगा। यानी कि इसका सही जो आंसर होगा 2 घंटा नहीं होगा, क्योंकि 2 बजे रात में किया गया है, 2 बजे रात में किया गया है चोरी, तो 2 बजे रात में 2 घंटा और इसमें प्लस कर दीजिएगा, 2 घंटा प्लस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा, 4। यानी 4 बजे क्या होगा, 4 बजे मालिक जो है उस चोर को पकड़ लेगा। यानी कि इसका सही आंसर होगा 4 बजे, क्योंकि ऑप्शंस में बताया जा रहा था, ऑप्शंस में दोनों था, 2 था और 4 भी था, तो 4 4 जो जो किया वो सही है, जो 2 2 किया उसका गलत होगा, क्योंकि इसमें समय पूछा जा रहा था कि किस बजे, कितना बजे पकड़ लेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लिखा हुआ है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कितना परसेंट कम है, इसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले जो है यहाँ पर 50% है, तो 50% का एक फ्रैक्शन हम लिख देंगे, क्योंकि ये परसेंटेज का चैप्टर है, परसेंटेज से पूछा गया, तो 50% का जो फ्रैक्शन का वैल्यू होता है कितना होता है आप जानते हैं, 1/2, 1/2। अब कहा जा रहा है बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि यहाँ पर जो है ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है, 50% अधिक है, यानी कि ए का जो वैल्यू होगा 2 होगा, सॉरी ए का नहीं, बी का वैल्यू अगर 2 होगा, यह जो वैल्यू बी का है और ए का वैल्यू कितना होगा 50% अधिक है, यानी कि हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के बाद कितना आएगा, प्लस करने के बाद 3 आएगा, यह जो 3 जो वैल्यू आएगा वो किसका है, बी का है। और कहा जा रहा है इसमें कि अब आप बताइए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, बी का जो वेतन था ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, मतलब इससे और इससे की कमी के बारे में पूछा जा रहा है, इन दोनों के बीच में कमी कितना, तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में फासला जो है, यानी कि डिफरेंट है, एक का डिफरेंट है, इसी एक को परसेंट में व्यक्त करने के लिए पूछा गया है। तो परसेंट में क्या कैसे व्यक्त करते हैं सो देखते हैं। यहाँ पर एक कहा गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक, किसके अपेक्षा पूछा गया, 3 की अपेक्षा यानी बी की अपेक्षा, इसीलिए लिखेंगे एक 3 का कितना परसेंट है, एक 3 का कितना परसेंट है, 1/3 × 100। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे, जब इसको जब हम लोग सिंपलीफाई करेंगे तब इसका जो आंसर निकल के हमारे पास जो आएगा, इसका सही आंसर होगा 33 पूर्णांक 1/3% का कमी, कमी एक 33 पूर्णांक 1/3% का कमी, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, लिखा हुआ 2 के पावर n + 2 के पावर n-1 / 2 के पावर n+1 - 2 के पावर n। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले 2 फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, घातांकनी का नियम, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ऐसे आपको एक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। आप जानते होंगे x^m × x^n बराबर होता है x^m + x^n, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब गुना रहे और बेस सेम हो तो पावर पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला है x^m / x^n, यदि बेस सेम हो और भागा में हो तो इसका पावर क्या होता है, घट जाता है, ध्यान रखिएगा।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है यह जो है इस रूप में दिया गया, इस रूप में भागा के रूप में दिया गया, तो हम कैसे इसको तोड़ेंगे, इस रूप में हमको लाएंगे। तो कैसे लाएंगे सो देखिएगा, देखते चलिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को लाया जा रहा। सबसे पहले 2 के पावर n है, तो 2 के पावर n हम यहाँ पर कर दिए, फिर प्लस का साइन यहाँ पर प्लस कर दिए। अब 2 के पावर n-1 है, तो 2 के पावर n लिख देते और गुना लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लिखने के बाद क्या होगा, 2 के पावर -1। -1 को यहाँ पर कुछ नहीं करते, -1 के लिए -1 हम इस फॉर्मूला को नहीं बल्कि इसी फॉर्मूला को लिख दिए और यहाँ पर माइनस को दिखा दीजिए। इसको अगर लिखते तो माइनस यहाँ पर हट जाता, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता, लेकिन हम इसी फॉर्मूला पर सेट किए क्योंकि हमको कॉमन निकालना है। फिर बट्टा का साइन देंगे, यहाँ पर कितना है 2 के पावर n+1, इसी फॉर्मूला पर हम लोग सेट करेंगे। देखिएगा 2 के पावर n × 2 के पावर 1 - 2 के पावर n। अब देखिए यहाँ भी 2 के पावर n है, यहाँ भी 2 के पावर n, यहाँ भी 2 के पावर n, यहाँ भी 2 के पावर n है। तो ऊपर से भी 2 के पावर n कॉमन लेते हैं और नीचे से भी 2 के पावर n को कॉमन लेते हैं। 2 के पावर n 1, क्योंकि यहाँ पर ये बाहर निकल जाए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या देंगे, प्लस का साइन, 2 का इनवर्स, इसको इनवर्स करते हैं 2 के पावर -1। बट्टा यहाँ पर क्या होगा, 2 के पावर n, ब्रैकेट खोल देते हैं, फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर -1। अब कितना अच्छा देखिए, 2 के पावर n और 2 के पावर n सिंप्लीफाई करके घट चुका। अब क्या है, ऊपर में बचा कितना, 1 + 2 के पावर इनवर्स, और नीचे में 2 - 1 को घटा देंगे तो कितना बच जाए, 1। इसीलिए इसको दिखाना जरूरी नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा मेरा 3/2, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ उसको एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 - 1/3। कुछ नहीं मतलब गुना छिपा हुआ रहता है, फिर होगा 4 - 1/4। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, × 5 - 1/5। इस तरह से गुना देंगे, फिर डॉट 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 करते चलेंगे। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस गुना हो जाए। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, यानी कि n - 1 एक साथ रखेंगे। कहाँ से आया n - 1, क्योंकि इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और -1/n। इसको जब सिंप्लीफाई करके इसको छोटा जब करेंगे तो ऊपर में होगा 2, नीचे होगा 3 × 3/4 × 4/5 · · (n-1)). अब देखिए यहाँ से 3 कटा, यहाँ से भी 3 कटा, यहाँ से भी 4 कटा, यहाँ से भी 4 कटा। अब यहाँ पर भी जो जो संख्या रहेगा सारा संख्या इसी तरह से कटते चलेगा, यानी कि n भी यहाँ पर, यह भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा, तो यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 2, और यहाँ पर कितना बचा, n, यानी कि 2/n इस क्वेश्चन का सही क्या हो गया, आंसर। तो आज आप देखें कि आज जो है MTS ने किस टाइप का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था, आप देख लें। यदि आपके पास भी इस टाइप का क्वेश्चन तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सॉल्व कर ढूंढ के इनका वीडियो बनाने के लिए। तो यदि हमारा वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं या आपको कैसा लगा यह वीडियो, इसको हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर टाइप करके बताएं और हमें लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमें जो है काफ़ी मेहनत के बाद बना पाते हैं ये सब वीडियो। तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी SSC का एग्जामिनेशन नहीं दिए उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा, मतलब बहुत ही लाभदायक होगा। और अगर यदि चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
और पुराने हैं तो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।